हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं अपने भानीज को दिखाने। ये थोड़ा डरा हुआ है, इसको हम पूज में ले जा रहे हैं। डरा हुआ है, आप डरे हुए क्या है भानीज, बताओ क्या आपको डर लगता है? मुझे नहीं लगता। ये थोड़ा डरा हुआ है दोस्तों, क्योंकि इसको रात को सपने में रोता है किसी टाइम, तो इसको हम किसी पूज वाले के यहाँ ले जा रहे हैं। तो दोस्तों घर वाले तो मना कर रहे हैं कि ऐसी चीज़ें मत दिखाओ, लेकिन ले जाता हूँ अंदर से, लेकिन दिखाना ज़रूरी है। और भानीज हमारा थोड़ा डरा हुआ है, इसको किसी जानकार आदमी के यहाँ ले जा रहे हैं, जो थोड़ा पूछ करते हैं, जैसे कि देखते हैं बच्चे को, विभूति लगाते हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं बताओ? हाँ, ये बहुत डरता है, रात को परेशान करता है, डरता है ना ये। हाँ, तो इसकी नाड़ी पकड़वानी है, इसको खाली करनी है। इसको कहीं हम गंतव्य में ले जा रहे हैं, मतलब किसी पूछ वाले के यहाँ, जो बहुत अच्छा है, पुजारी जी बहुत अच्छा जानते हैं। तो कहाँ जा रहे हैं बताओ ध्रुव? हम कहाँ जा रहे हैं बताओ? बहुत दूर जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग हमारी जर्नी में है और देखिए कि वो बहुत कितना अच्छा इसको कितना तक ठीक कर पाते हैं। क्या ले रही, केले? कितने रुपए दर्जन है भैया केले? हैं? महंगा दे रहे हो यार, हैं? खाली मत कहो यार, 50 रुपए दर्जन है क्या केले? अरे ये रखा रेट, चलो ठीक है, मजाक कर रहा हूँ यार। एक ब्लॉग बना देना, उसमें तुम भी आओगे कैसा? चलो ठीक है फिर, हाँ भाई बाय। चले अब चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं बता। दोस्तों आज एक जो टीका लगा रहे हैं पंडित जी के यहाँ, थोड़ा पता करने की इसको क्या दिक्कत है, रात को बहुत हो सकता है बोलते हैं सब्जी में। और तो हम पहुंच गए हैं राम के घर के बाहर और एक होटल में बैठे हैं। तो दोस्तों उनके घर के थोड़ा सा नीचे पहुंच गए हैं, अब शायद उनके घर जाएंगे, ऊपर को रोड में है, अभी हम रोड में एक होटल में बैठे हैं। देखिए तो थोड़ी देर में का बैठ जाते हैं, अभी फिर जाते हैं। सुनाओ, लाला जी ने केला खाया। फिर पूरा बताओ। लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुँह पिचका के दूध फुलाए, दूध फुला कर कदम बुराए, कदम के नीचे छिलका आए, उसे तुम कर रहे हो, तुम अच्छा, ये आपका हुआ? ये हमारे ये भैया ये चाय दी उन्होंने अम्मा, इनकी मौसी है ये, तो चाय पियो। कौन जा रहा था प्लेन में? आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों करा रहे हो आप? तो
दोस्तों जो मेरे भानीज को दिक्कत है ये इसका ये है कि इसकी मम्मी ने इसको जो छोटा था इसको फ़ोन दे दिया था तो ये फ़ोन में वीडियो दिखता था। तो अब दिक्कत ये हो रही है कि जब भी कुछ कहते हैं तो जैसे मैंने एक दिन आपको मेरी पुरानी आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें ये कह रहा है कि इंग्लिश में बोलता है जैसे हिंदी को भी हेलो अलग टाइप से बोलता है वैसा करता है और थोड़ा जैसा मोबाइल में कहते हैं वैसी भाषा बोलता है। तो हमें थोड़े डर है कि कहीं ये मोबाइल जैसा वैसा ही ना करे। तो तब हम इनको दिखाने के लिए आए हैं, ये बहुत अच्छा जानते हैं जहाँ हम इनको पूछ मलाए हैं इनके ही गाँव के हैं खतेड़ा के। आप भी आइएगा अगर आप पिथौरागढ़ के हैं तो बहुत अच्छा जानते हैं, इन्होंने कई बार सही किया है। तो तभी हम इसी आस में अपने भानीज को भी लेके आए हैं कि ये सही हो जाए। अब गलती इसकी मम्मी की है, इसकी मम्मी की गलती है जो इसकी मम्मी ने इसको मोबाइल दे दिया बचपन में। भी तभी कहते हैं बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। इधर आ, बकरियाँ कहाँ गई हैं बताओ? नहीं। बताओ नहीं। बताओ, ग्वाला गई हैं। बकरियाँ कहाँ गई हैं? ग्वाला गई हैं। देखिए कुत्ता बहुत बुढ़ा हो गया लेकिन मैंने इसको छोड़ा नहीं। इनको नमस्ते करो, हाथ मिलाओ, पहचान भी हो इसको, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ, पहचान में आओ, हैंडशेक करो, हैंडशेक, हाथ मिलाओ, इधर को देखो, इधर देखो। बेनी कैसे हो बोलो आप? दीदी दीदी कहाँ पढ़ते हो तुम बेटा? स्कूल कहाँ? और तुम कहाँ पढ़ते हो दूरू? स्कूल कहाँ पढ़ते हो बताओ? कहाँ? स्कूल का नाम बताओ। नहीं खाली कह देगा, फर्स्ट नंबर बताओ। क्या नाम है आपका? मैं कम सुनता हूँ, थोड़ा तेज बोलो, क्या नाम है? ध्रुव। आपके पापा का क्या नाम है? संजू भट्ट। और मम्मा का? आशु भट्ट। आप तो बड़े अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, स्कूल कौन सा स्कूल में जा रहे हैं आपसे? जा रहे हैं स्कूल? जो ये बोलेगा बस वो नहीं करेंगे। ऐसा भी है, ऐसा इसकी नजर में दिख रहा है कि ये वैसे ब्रांड है मुझे इस बंदे का। ब्रांड तो बहुत है। नमाज़ में लाइए। तब मैं जरूर कहते हैं। गुड़ी हो रही? गुड़ी हो रही। गुड़ी हो रही। गुड़ी हो रही। एक तो तू इसको ऐसा करना, एक अखरोट रोज एक महीने तक हमने डेली एक एक अखबार सिल के बच्चे को दिया, उसके बाद फिर उसको 15 महीने में 15 दिन दिया। अभी भी मोबाइल देना बंद कर दीजिए। नहीं तो बच्चे के मतलब उसका मानसिक विकास रुक गया है। एक अखरोट एक दिन का? एक अखरोट एक दिन बाजार ठंडा पानी मुँह में फूल भरना है, दोनों आंखों में कम से कम अगर 1 मिनट पानी मारते रहना, आंखों में मारना, मुंह में पानी भरा रहे, आंखों में ऐसे पानी मारना है जिससे आपका सिर दर्द खत्म हो जाएगा। और हाँ, तो दूसरा ये है कि आपकी आंखों की रोशनी
बढ़नी शुरू हो जाएगी। मैं फाद नहीं हूँ, मैं फाद नहीं हूँ। जल्दी है? नहीं ज़्यादा मात्रा में। ज़्यादा मेरा तो पटरा तो मैं सुबह से लाती हूँ, देखूँ लगा। है ना? इधर? इधर भी बराबर है। इधर थोड़ा ज़्यादा। इधर ज़्यादा? यूं ले गए, यहाँ से ठीक ये पांव से होते हुए यूं आ गए, ठीक। उधर मत जाइए, इधर दूर। 10 बार ये करना है, 10 बार। क्या बात, अब आपको बता देंगे और में। ठीक है, वो रखा लीजिए, बता लेते हैं, तो रखा लीजिए, तो ठीक है। नाश्ता ऐसा करके जा दूँगा ना, गैस के बाद कम होगी, फिर मेरे को फिर रखा लेगा नहीं होगा, वो कम होगी। और जो मैं कह रहा हूँ, अखरोट और बच्ची को जान ठीक है, ठीक है। भाई चाय पानी पी लो, बाय करो, प्रणाम करो, बाय कर, ठीक है अंकल जी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम जाने लग गए हैं घर को, हमारी पूछ हो गई है, क्या गिरा दिखता आसू पीछे? हाँ चॉकलेट, चॉकलेट गिर गई ध्रुव की, चॉकलेट लेके आओ जल्दी जा। तो ध्रुव हम घर को जाने लग गए हैं, कैसे लगे तुम्हें पंडित जी? तो इसको विभूति लगाई और बहुत अच्छे जानकार हैं, और अभी घर जाके बात करते हैं आपसे फिर। तो आमा तुम क्या कहना चाहोगी? हम गंत गए थे, गंत पैर में क्यों जैसी अमा? अब याद कर लूंगा, अब नाइट का पाल और क्यों कुछ वैसे वो पंडित जी बहुत दिमागदार थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की और उनको ठीक कर दिया। तो दोस्तों हम आ गए हैं पूछ से घर में, जहाँ पूछ में गए थे मतलब पंडित जी से पता करने, हाथ नाड़ी दिखाने भांजे की और मेरी बहन की। तो पंडित जी ने हाथ देखा मेरे भांजे का, मेरी बहन का, और उन्होंने बताया कि इसको क्या दिक्कत है, एकदम सही सही बताया उन्होंने, बहुत अच्छे पंडित जी थे। और उन्होंने एक दो साइंटिफिक रीज़न भी बताए हैं कि क्या करना है, जैसे कि भांजे को मेरा थोड़ा वो बोल नहीं पा रहा और उसका थोड़ा ध्यान नहीं लगाता, तो उसको अखरोट खाने के लिए कहा है रोज़ रोज़ एक एक। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने एकदम एक साइंटिफिक रीज़न की वजह से भी कहा है कि अखरोट में जो मैग्नीशियम होता है उससे दिमाग का विकास होता है। तो बहुत अच्छे पंडित जी थे, उन्होंने जो बातें की बहुत मुझको अच्छी लगी। तो दोस्तों कभी कभी हमें ऐसी चीज़ें माननी पड़ती हैं, क्योंकि हम रहते हैं उत्तराखंड में, उत्तराखंड को देव की भूमि कहते हैं, और कुछ ऐसी यहाँ पौलौकिक शक्तियाँ हैं जिससे हमारे अंदर जो दिक्कतें होती हैं या हमारे घर गृहस्थी में जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं उनको शांत करने के लिए हमें जाना चाहिए। और मुझे भी लगा कि हाँ, ये पंडित जी से मिलकर लगा कि इन्होंने हमें जब जब सच सच बताया, बहुत सारी चीज़ें नाड़ी देख के बता दिया, तो मुझे लगा कि उन्हें ऐसी चीज़ें माननी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी भी है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, तो अब हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। अगर हमारे आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय दोस्तों।